लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की इस लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार का भी नाम है और उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें केरल के मलम्पुरम से टिकट दिया गया है। इस सूची में केरल से 12 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने केरल में मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम पर क्यों दांव लगाया है और उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम बीजेपी के सदस्य हैं। 68 साल के सलाम केरल के तिरूर के रहने वाले हैं। जैविक विज्ञान में उनके 153 शोध पत्र, 15 समीक्षा लेख और 13 किताबें प्रकाशित हैं। अब्दुल सलाम कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। 2011 से 2015 तक वो वहां के वाइस चांसलर थे। 2021 में वो तिरूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त अब्दुल सलाम को करीब 9000 वोट मिले थे। के विधानसभा चुनाव में उनका नामांकन यूडीएफ ने किया था, जिस पर कांग्रेस की पकड़ है। जब उन्हें कुलपति बनाया गया, उस वक्त टीचर और स्टूडेंट यूनियन उनके खिलाफ थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि उस पर बैन लगाया जाए। हालांकि इस पद से रिटायर होने के बाद वो साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 6,47,00,000 रुपए है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। बता दें कि अब्दुल सलाम के नाम को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी उनको टिकट दे सकती है। 2 मार्च को इस पर मोहर लग गई। अब्दुल सलाम एक साफ छवि वाले नेता हैं, इसलिए बीजेपी ने मलप्पुरम सीट से उन पर दांव लगाया है। बता दें कि मलप्पुरम जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। करीब 41,00,000 की आबादी वाले मलप्पुरम में मुसलमानों की आबादी 70% से ज्यादा है। बीजेपी ने अब्दुल सलाम को टिकट देकर विरोधियों को हैरत में डाल दिया है। बीजेपी का ये फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी की मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने की हमेशा आलोचना होती रही है। इस बार पार्टी ने अब्दुल सलाम को टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।